क्वेश्चन नंबर 5, द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर आर कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ, जैसे कि अभी हमने देखा कि जो ईआर है उसका डायग्राम एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये एक सेल हो गया, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे कंटिन्यूअस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, कुछ इस तरीके से एक जाली जैसा नेटवर्क लाइक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये हो गया न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। एंड ये वाली जो है ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो जो ईआर है दैट इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें, द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर आर कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ, क्या स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से भी कनेक्टेड नहीं है एंड मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड से भी कनेक्टेड नहीं है। जो न्यूक्लियस है उसी की मेम्ब्रेन से एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जिसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एक इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, स्कोरिंग क्वेश्चन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से।